Hello friends, welcome to my YouTube channel Trendonomics by Hearst. So there is a fall in Nifty, market is correcting, and we broke 17,800, closed below it. What next? So this is about Nifty, Bank Nifty. I will discuss some stocks and again about the options trade we are taking. So this is going to be an interesting video. Watch till end. If you want to follow me on live markets, you can follow me on Twitter where I share live market trades, and also on Tribe where I share actually my option trades. I share there. So you can definitely follow me there. And good news is that we have a heavy discount. We are offering about both the courses, Elliott Waves and Price Action, at the price of only 999. Yes, where we are offering very huge discount. So definitely grab this. This is for all limited people. We restricted it to 50, but that has been already done. Already 50 people have done it. And then we decided to give it to more 50, but again, it is filling fast. More, I think up till now 40, 45 people already, maybe more taken. So just grab it fast until it lasts. Okay, let's discuss market. Okay, so क्या दिख रहा है निफ्टी में, क्या दिख क्या रहा है आपको, कौन सा पैटर्न दिख रहा है, क्या दिख रहा है आज के क्लोजिंग में मार्केट में, क्या लगता है मार्केट? अगर आप मुझसे पूछोगे, अभी आप ये लास्ट 4 डेज से देख रहे हो अगर वीडियोस, तो डेफिनेटली आपको पता है कि हमने यहाँ पे ही डिस्कस किया था कि शायद ये करेक्टिव मूव है और एक डाउन ट्रेंड वापस रिज्यूम हो सकता है. और हम लोग मान भी लेते हैं कि रैली आएगा वापस, एक बार मार्केट ऊपर जाएगा रैली आएगा, ऐसा हम मान भी लेते हैं, तो फिर उसके लिए तो डेफिनेटली ये लेवल जो है 17,800 का, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए आइडियली, या फिर 17,600 बोल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमने डिस्कस डेफिनेटली किया था कि ये करेक्टिव राइज है और नीचे के चांसेस ज्यादा है. तो आज अगर हम लोग बात करते हैं तो वापस, मैं अभी भी, अभी इतना ब्रेकडाउन आने के बाद आइडियली ये ब्रेकडाउन आ गया है, लेकिन थोड़ा उसे और सस्टेन होने दीजिए 17,600 के नीचे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सांस लेंगे कि नहीं अभी तो नीचे ही जाना है, डेफिनेटली नीचे जाना है. तो मैं अभी भी बोलता हूँ कि ओके, यहाँ पे शायद थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ वेव है, एज पर वेव पॉइंट वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल. यस, तो आप बोल ही सकते हैं कि ये फोर्थ वेव है, फिफ्थ ऊपर आएगा, वो बाद में देखते हैं यार, अभी तो मार्केट नीचे जा रहा है. यस, मार्केट नीचे जा रहा है और आज ब्रेकडाउन आया है ये ट्रेंड चैनल का. यस, दिस इज इम्पोर्टेंट ट्रेंड चैनल. एक लास्ट 4 मंथ से, ऑलमोस्ट सॉरी नॉट 4 मंथ, लास्ट 6 मंथ से ये ट्रेंड चैनल है. अराउंड 14,000 के लेवल से आ रहा है ये ट्रेंड चैनल, उसको ज्वाइन किया है 15,500 में. और ये जो ट्रेंड चैनल है उसका आज ब्रेकडाउन आया है. आज वीकली क्लोजिंग है. यस, टुडे इज वीकली क्लोजिंग बिकॉज टुमारो इज हॉलीडे. तो उस इसके नीचे आ गया क्लोज, ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया. और ये जो फ्लैग इंटरनली हमने बोला था तो उसके नीचे भी क्लोज आया है, फ्लैग के नीचे. यस, तो यहाँ पे एक स्मॉल फ्लैग ब्रेकडाउन आया था, फिर फॉल आ गया. यस, स्मॉल फ्लैग ब्रेकडाउन, दिस इज अ स्मॉलर फ्लैग ब्रेकडाउन एंड देन देयर वाज अ ह्यूज फॉल. यस, नाउ हियर इट इज अ बिगर फ्लैग ब्रेकडाउन ओवर हियर. यस, सो देयर कुड बी अ फॉल. यस, फॉल आ सकता है. एक्चुअली डराने वाली बात है कि अभी भी कोई लोग पैनिक ही नहीं हो रहे. ये एक हैरानी वाली बात है कि इतना फॉल आने के बाद भी अभी भी लोग पैनिक तो कोई हो ही नहीं रहा है. अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है लोग कि नहीं, मार्केट ऊपर ही जाना है.
एक्चुअली उनका फॉल्ट नहीं है, ये बुल मार्केट का फॉल्ट है, क्योंकि हमने तो कभी मार्केट में मंदी देखी ही नहीं, यहाँ पे तो इतनी तेजी दिख रही है। लास्ट 18-20 मंथ से मार्केट वन वे ऊपर जा रहा है, यस, कोई भी करेक्शन आता है मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो फॉल तो आया नहीं है अभी भी फॉल आया नहीं है, बड़ा वाला फॉल आया नहीं है। डेफिनेटली अभी भी यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉल आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी तक 17600 के नीचे क्लोज आया नहीं है, तो आइडियली जब तक वो नहीं आता है तब तक हम लोग मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि हाँ भाई रैली आएगा ऊपर, लेकिन उसके लिए कुछ साइन तो देने दे मार्केट को, कुछ तो साइन देने दो, बिकॉज पीपल वेर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट, यहाँ पे 19,000 दिवाली में ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो लोग यहाँ पे ही बाइंग कर रहे थे 18,300, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीपल वेर बुलिश ओवर हियर, देन दे थॉट 18,000 होल्ड करेगा, उसके बाद वो बोले कि 17,600 होल्ड करेगा, ओके किया, डेफिनेटली 17,600 होल्ड किया, लेकिन क्या रैली आ रहा है यहाँ पे, इम्पल्स दिख रहा है, ऐसे वाला कुछ दिख रहा है फॉर्मेशन, हायर टाइप हायर बॉटम फॉर्मेशन, इम्पल्स है, अग्रेशन है, जो अग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, फास्ट ट्रेंडिंग मूव दिख रहा है, वो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे हमें दिख रहा है फास्ट फॉल आया 9 days में, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आ रहा है जो कि 38% के ऊपर भी नहीं जा रहा है, स्विंग हाई भी नहीं क्रॉस किया और टाइम लिया जाता, इस टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा, बिकॉज कोई भी आपको ट्रेंड डिसाइड करना है, कोई भी ट्रेंड का कि वो ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितना है या फिर वो ट्रेंड आगे कंटिन्यू होने का क्या चांसेस है, तो यहाँ पे 9 days में फॉल आया और फिर उसका रिट्रेसमेंट 38% भी रिट्रेसमेंट नहीं आया और मोर देन 9 sessions यहाँ पे कंज्यूम किया है, तो वही समझ जाना चाहिए कि नहीं अभी बेयर्स ज्यादा ताकतवर है, यस बेयर्स हैव मोर पावर, सो तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अगर हम लोग मानते हैं कि ABC टाइप करेक्शन आएगा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी वेव में हम लोग है, ऐसे कंजर्वेटिव अप्रोच, ज्यादा बेरिश अप्रोच नहीं लेते हम लोग, ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न तो बना दिया अभी, उसका ब्रेकडाउन आना बाकी है अभी तक, तो जब तक उसका ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक हम लोग फिर भी कंजर्वेटिव बेरिश रहेंगे, अग्रेसिवली बेरिश नहीं रहेंगे, भले ही ये ट्रेंड चैनल ब्रेक हुआ हो, सो ओके बिकॉज हाँ अभी तक मंडे क्या होगा हमें नहीं पता, मंडे शायद यहाँ पे वापस ऊपर ब्रेक कर लिया, तो वी डोंट नो बेसिकली, और हमें रिजिड नहीं रहना है, तो हम मानते हैं कि ये ABC फॉल है, तो क्या करेक्शन खत्म हो गया, डेफिनेटली अभी तो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो सब लेवल तोड़ के मार्केट नीचे जा रहा है, आवरली मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के कुछ लक्षण दिखा नहीं रहा है, फॉल ही आ रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है इंट्राडे पे, तो क्यों हम लोग बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ तो मार्केट ने देना चाहिए साइन के, हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा है, इंट्राडे पे हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, कुछ भी नहीं है, यस तो जब तक, तो अभी 17,840 का जो ये स्विंग आया है वो लेवल पकड़ लीजिए कि उसके ऊपर जाएगा तो बेरिश व्यू, शॉर्ट टर्म बेरिश व्यू निगेट कर देंगे, डेफिनेटली स्टॉप लॉस, अगर आप शॉर्ट कैरी कर रहे हो तो ये स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर जाएगा तो आपको शॉर्ट नहीं रहना है डेफिनेटली, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ तो मैं तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो इसके ऊपर मैं मेरा शॉर्ट टर्म बेरिश व्यू रिजेक्ट कर दूंगा, और आज के लो के नीचे जाएगा तो सीधा 17,600 मुझे दिख रहा है आते हुए, वहां पे मैं देखूंगा कि क्या RSI तो ओवरसोल्ड जाते हुए थोड़ा दिख रहा है, लेकिन उसकी बात ये नहीं है कि RSI ओवरसोल्ड है तो ऊपर आएगा, ऐसे भी हो सकता है एक बार बाउंस दे के यहाँ पे रेजिस्ट कर दे 17,750 को, वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर हम लोग इलियट वेव काउंट लगाते हैं, तो वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है
ओके, तो एबीसी फॉल हम लोग जैसे कल डिस्कस किया था कि 17,600 का एक लेवल है, 61% फिबोनाची के एक्सटेंशन हमने कल डिस्कस किया था अगर आपको याद है, और 100% का आई थिंक 17,200 को है, yes? तो अगर 17,600 ब्रेक होता है तो नीचे में कुछ भी देखने के लिए तैयार रहिएगा, ओके? और अगर नहीं ब्रेक होता है 17,600, अगर नहीं हो रहा है मंडे को या फिर नेक्स्ट वीक 17,600 ब्रेक ही नहीं होता है, तो फिर शायद हम लोग सोचेंगे कि हाँ नहीं, मे बी बुलिश रिवर्सल आ सकता है। तब तक तो नहीं सोचने वाले हम लोग। तो शॉर्ट टर्म में क्या है काउंट, तो अभी तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काउंट बन रहा है मेरा, इसको पकड़ लेते हैं हम लोग 1-2, क्योंकि हम लोग बोल अभी क्या काउंट बन रहा है, ये ए है बी है और फिर ये सी वेव में नीचे जा रहा है मार्केट, ये सी वेव में नीचे जा रहा है कंजर्वेटिव बेरिश, फिर भी ये सी वेव अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि फाइव वेव्स तो दिख ही नहीं रहे ना, कंप्लीटेड फाइव वेव्स दिख रहा है क्या नीचे में? नहीं दिख रहा। सी वेव ये एक ट्रेंडिंग मूव है, ए बी सी करेक्शन है, उसमें ए एंड सी ट्रेंडिंग रहता है, तो ट्रेंडिंग यानी इंपल्स रहता है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि इंपल्स रहना चाहिए, तो यहाँ पे इंपल्सिव मूव दिख रहा है, तो 1-2 थर्ड वेव खत्म हुआ क्या? नहीं, क्योंकि इसमें बस ये दिख रहा है कि 1-2-3-4 ही खत्म हुआ है अभी तक। तो एक चांस है कि मंडे को शायद 17,600-500 को सपोर्ट लेगा, वहां से एक बाउंस बैक देगा, ये चांसेस ज्यादा बना रहा है अभी मार्केट। तो मंडे के लिए क्या है व्यू, क्या है मंडे का? तो अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो एक चांस है कि यहाँ पे आके एक बाउंस बैक दे दे, लेकिन जब तक वापस ये लेवल या फिर ये लेवल के ऊपर नहीं जाता, चांसेस है कि मार्केट वापस नीचे जाएगा, 17,450 तक जा सकता है जो नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट है, यस, वहां पे जाके शायद फाइव वेव्स खत्म होगा, सी वेव अगर हम लोग मानते हैं कि सी वेव आ रहा है, वहां पे शायद खत्म होगा, या फिर पता नहीं यहाँ पे अगर बुल्स ज्यादा स्ट्रांग है तो यहाँ पे ही ट्रंकेट कर देगा 17,600 के आसपास, बट डेफिनेटली बॉटम तो हुआ नहीं है, बॉटम फिश मत कीजिएगा, नीचे जाने के चांसेस है अभी भी, और एक्सटेंड होता है तो भाई तो पता ही नहीं। सो नेक्स्ट वीक के लिए ये लेवल है 17,600-17,570 का, वहां पे सपोर्ट मिलेगा अगर ये ब्रेक हो रहा है तो, वहां पे सपोर्ट मिलने के चांसेस है, वहां से शायद बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन ये लेवल में डेफिनेटली रेजिस्टेंस लेगा जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ओके? ये एक पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए। बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है? बैंक निफ्टी इज क्लियरली वीक बॉस, सब लेवल तोड़ के नीचे जा रहा है। आज थोड़ा वीकनेस कम है बैंक निफ्टी में, डेफिनेटली आज नहीं है वीक, लेकिन एवरी डे देयर विल बी सम अदर सेक्टर अदर स्टॉक। तो आज TCS ने काम कर दिया, जैसे हमने कल बोला था कि TCS शायद वीक हो सकता है, तो आज TCS ने काम कर दिया। बैंक्स में इतना नहीं था आज, कोटक बैंक में था डेफिनेटली। सो अगेन बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक हुआ है ट्रेंड चैनल, और दूसरा एक अभी सपोर्ट नहीं ब्रेक हुआ है, अभी ले रहा है ये सपोर्ट, तो जब तक वो नहीं ब्रेक होता 37,700 का सपोर्ट, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ओके, इतना मेजर फॉल शायद नहीं आएगा, मे बी आई डोंट नो, बट जब तक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता 38,500 या फिर रादर 38,800-39,000 के ऊपर नहीं जाता जब तक, तब तक तो रैली की सोचो ही मत बैंक निफ्टी में। क्या ये एबीसी करेक्शन खत्म हुआ, ए बी एन सी? चलो इंटरनल देखते हैं क्या खत्म हुआ है इंटरनली। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो इंटरनली नहीं दिख रहा है खत्म होते हुए, ये शायद 1-2-1-2-3-4-5 अभी तक वो एक्सटेंड ही हो रहा है, इसमें खत्म होने के तो चांस ही नहीं है, कुछ भी चांसेस दिखा नहीं रहे करेक्शन खत्म होने के।
इतना फॉल आने के बावजूद भी. सो बैंक निफ्टी इज वीक, अवॉइड बैंक निफ्टी. लॉन्ग्स डेफिनेटली अवॉइड करो. वन मोर बैंक टुडे आई एम डिस्कसिंग इज कोटक महिंद्रा बैंक. तो डेफिनेटली यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में अभी ये ट्रेंड चैनल ब्रेक हुआ है. क्या ये फाइव वेव रैली खत्म हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक का? पॉसिबिलिटी है बिकॉज यहाँ से दिख रहा है हमें वेव वन टू, फिर थर्ड में एक एक्सटेंशन आया, फिर फोर्थ साइडवेज ट्रायंगल गया, कॉम्प्लेक्स करेक्शन, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 क्लियर दिख रहा है होते हुए. यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5 वेव्स हो गया. क्या फिफ्थ एक्सटेंड होगा नहीं होगा वो हम लोग को नहीं पता, लेकिन नीचे में कितना आ सकता है. तो ये लेवल है 1930 का लेवल है, इधर तक तो आ ही सकता है क्योंकि ये अभी तक करेक्शन खत्म नहीं हुआ. ये ए हुआ, शायद बी सी में नीचे जाएगा, तो 1930 तक तो आ सकता है. तो मे बी मंडे को कोटक बैंक रहेगा जो वीकनेस लाएगा मार्केट में. यस, हर एक दिन कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करेगा जो मार्केट में निफ्टी में वीकनेस ला सकता है. जैसे हम लोगों ने टीसीएस का बोला था, पहले रिलायंस बोला था, उसके बाद टीसीएस बोला था, तो टीसीएस ने तो वीकनेस ला ही दिया मार्केट में. यस, टीसीएस इज वीक, और भी चांसेस है नीचे जाने के टीसीएस के, बिकॉज अगर ये ट्रेंड चैनल ब्रेक होता है, ये ट्रेंड चैनल लो, तो फिर टीसीएस और भी ज्यादा करेक्शन दे सकता है. सो स्टे अवे फ्रॉम टीसीएस. ओके, अनदर स्टॉक भी डिस्कस, मेटल स्टॉक का डेफिनेटली डिस्कस किया था हमने कि टाटा स्टील में 1240-1250 का लेवल है. अगर वो ब्रेक होता है तो टाटा स्टील को टाटा बाय बाय बोल दीजिएगा. इन्वेस्टर्स बुल्स बाय बाय, से बाय बाय टू टाटा स्टील, बिकॉज इसको टाटा ही करना चाहिए क्योंकि क्लियर वीकनेस है यार. यहाँ पे क्लियर वीकनेस है. यहाँ पे 29 जुलाई को निफ्टी ने 16,000 ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद टाटा स्टील का क्या हाल हुआ है, क्या हश्र है ये. और ये सपोर्ट जो ब्रेकआउट करके ऊपर गया था उसके नीचे तोड़ दिया, जो रेजिस्टेंस था, सॉरी रेजिस्टेंस नाउ बिकम सपोर्ट, और वो सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो ये रेजिस्टेंस वापस बन गया इसको, और अभी नीचे सीधा 1050 तक आ सकता है. और मेटल स्टॉक ऐसे है कि मेटल स्टॉक करेक्शन जब देते हैं तो करेक्शन भी बड़ा वाला देते हैं मेटल स्टॉक. सो बी केयरफुल टाटा स्टील में. मिनिमम इतना 1050 तक तो आ ही सकता है टाटा स्टील, मैक्सिमम पता नहीं, 1050 पकड़ के चलते हैं 1100 तक एटलीस्ट टाटा स्टील को. उसके पहले तो उसमें हाथ मटी डालो. टाटा स्टील इज वीक. ओके, वन मोर टाटा स्टॉक आई वांट टू डिस्कस. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक एक्चुअली, आइडियली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन अभी ये स्टॉक में आप डेफिनेटली बाय करने की मत सोचो. क्यों? क्या फाइव वेव्स खत्म हुआ है? आई डोंट नो, वो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे. फाइव वेव्स खत्म हुआ नहीं हुआ उससे हमें मतलब नहीं है. हमें मतलब किससे है? जो भी हमें मतलब है कि अभी क्या, अभी आगे जाके सिनारियो क्या है, क्या फॉर्मेशन बनता है. तो जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि एक तो ये प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं कर सका था, और फिर जाके यहाँ पे भी वही हुआ कि प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं किया 356 का, और निगेटिव डाइवर्जेंस है, और वहां से स्टॉक गिर गया. यस, तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि निगेटिव डाइवर्जेंस आ रहा है, और ये जो फॉर्मेशन है, ये देखो ये वाला फॉर्मेशन है, और सेम हो रहा है, बस यही वाला सिनेरियो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, बराबर. कि निगेटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई पे और ऊपर नहीं जा पा रहा है. तो अगर 13-day मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो टाटा मोटर्स को भी शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर दिए, या फिर उसमें हाथ मत डालिएगा. आई नो कि ये अच्छा खासा मूव आ गया और वो देख के आप बोल रहे अरे यार मेरा ये मूव मिस हो गया. अगर आगे भी ऐसा मूव आता है तो
लेकिन उसके लिए उसको वापस कंसोलिडेशन में जाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म पे कुछ भी इस पे। तो जब तक वो नहीं जाता है तब तक इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। फॉल आ सकता है, कितना आएगा पता नहीं, शायद ये गैप फिल करने के लिए आएगा, वी डोंट नो। बट करंटली टाटा मोटर्स इज वीक। तो अभी आते हैं हम लोग वापस निफ्टी में, ऑप्शंस ट्रेड में। हमने जो लिए है आज, बहुत ज्यादा ट्रेड लिया आज हमने ऑप्शंस में। तो कल का ये जो ट्रेड चालू था हमारा फर्स्ट 17,600 का, वो फर्स्ट ट्रेड हमने आई थिंक क्लोज कर दिया अराउंड लेवल ऑफ 79 समथिंग कुछ आई थिंक। तो ये चार्ट है। और आज के दिन में तो मैंने जैसे बोला था कि ये लेवल के बाद, ये लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट आ जाएगा, फोर्टी एट बोला था मैंने शायद, यस 48-50। ये लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा, सस्टेन होगा 48-50 के ऊपर, तब जाके एक मोमेंटम आएगा वो ऑप्शन में। तो ये देखो, तो कल का मूव आप देखेंगे, अगर कल का मूव देखो इसमें 17,600 के पुट ऑप्शन में, तो लास्ट 2 दिन में ये मूव देखो कैसा मूव आया है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और आज आज देखो ये एक मूव मिल गया, मोमेंटम मिल गया इसको। क्यों ये मोमेंटम मिल गया इसको? क्योंकि ये ट्रायंगल ब्रेकआउट आ गया। यस, ये जो एक ट्रायंगल बनाया था उसका ब्रेकआउट दे दिया, और फिर उसके ऊपर यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट, तो सीधा डबल हो गया। देख 50 का 100 हो गया ऑलमोस्ट। तो ऑप्शंस में और कभी हुआ? हमने तो कहाँ पे बाय किया था? हमने इसको बाय किया था। ओके, लेट्स जस्ट डू ऑन इंट्राडे। 30 मिनट्स चार्ट पे जाते हैं। तो हमने तो यहाँ पे इसको बाय किया था इनिशियली, लेकिन आज जाके जब ये लेवल ब्रेक हुआ, ये देखो ये जो फ्लैग ब्रेकडाउन हुआ, कभी ब्रेक हुआ ये फ्लैग 17,900? तो हम लोग यहाँ से लेके बैठे थे 18,100 से, 120 से, और 17,900 जब ब्रेक हुआ तब उसमें जाके मोमेंटम आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एक तो हमने आउट ऑफ द मनी लिया था, बराबर, ये तो आउट ऑफ द मनी लिया था हमने। तो उसमें तो मोमेंटम तभी आएगा जब एक कुछ लेवल इम्पोर्टेंट, आई मीन अभी पुट ऑप्शन है तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही मोमेंटम आता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो ये था फ्लैग का, तो वो ब्रेक होने के बाद आज निफ्टी में भी अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम आ गया। तो आज हाँ निफ्टी में अच्छा खासा डाउनसाइड देखने मिला। कल और परसों निफ्टी में देखो कैसे लार्ज स्विंग आ रहा था ऊपर नीचे, और प्रीमियम वाइपआउट भी हुआ था, यस कल परसों। लेकिन आज अच्छा मोमेंटम आ गया जब ये वाला मूव मिल गया हमें। तो हमने शायद यहाँ पे किधर जा यहाँ पे जाके शायद हमने वो पोजीशन क्लोज किया है ऑप्शंस का। फर्स्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा वाला प्रॉफिट 3,990 का, वो हमने यहाँ पे जाके क्लोज किया जब निफ्टी आ गया सपोर्ट पे, और थोड़ा ओवरबॉट भी था, ओवरसोल्ड था, और हमने देखा कि ये एक रेजिस्टेंस है 76 का, और ये गैप भी फिल हो गया 90 के आसपास। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ये लेवल पे जाके उसको एग्जिट किया, वो ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को, और हमने डिसाइड किया कि ओके वापस एक बार रिट्रेसमेंट आएगा, पुल बैक आएगा, तो हम शॉर्ट मारते हैं, शॉर्ट करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे एग्जिट करके वापस मैंने शायद यहाँ पे एंट्री वापस ले लिया था जब ये ऊपर आ गया, यहाँ पे एग्जिट मार के वापस यहाँ पे एंट्री मैंने लिया था। ओके, और नीचे जाते हैं टाइम फ्रेम पे। क्यों मैंने किया इसे इलियट वेव्स के हिसाब से? तो एज पर इलियट वेव्स अभी मुझे क्या दिख रहा है, 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम लगा देता हूँ।
तो इलियट वेव्स पे मैंने देखा कि यहाँ पे शायद ये 1 और 2 हो गया, थर्ड वेव खत्म होने को आया, तो थर्ड वेव में मैंने देखा कि वापस 1, 2, 3 हाँ, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट मारा था, थर्ड वेव खत्म हुआ, फिर फोर्थ वेव ऊपर आया तो उसको मैंने वापस एंटर किया कि फिफ्थ वेव नीचे जाएगा, फिफ्थ वेव नीचे की अभी मुझे पता नहीं फिफ्थ वेव नीचे कितना जाएगा, एक्सटेंड होगा या फिर वो थोड़ा मोमेंटम कम दे देगा, वो तो मुझे तब पता नहीं था, डेफिनेटली बता नहीं सकते हम लोग कि क्या आएगा फिफ्थ वेव। तो यहाँ पे मैंने देखा कि थर्ड वेव खत्म हो रहा है इलेट वेव के हिसाब से शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, तो यहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए, वापस ऊपर आ जाएगा रिट्रेसमेंट 17,800 के आसपास, तो मैं वापस शॉर्ट कर दूंगा। तो ये पुल बैक को मैंने यहाँ पे शायद शॉर्ट कर दिया और उसके बाद देखते क्या हुआ ट्रेड। तो इमीडिएटली आई थिंक मेरा ओके हाँ, और मैंने तब 17,500 का ऑप्शन ले लिया, क्यों? क्योंकि पहले तो मेरा ये बड़ा वाला प्रॉफिट आ गया था, तो वो प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, और एक तो ये बड़ा वाला एक ट्रेंड ऑलरेडी हमने कैच किया था, तो आगे जाके मुझे पता नहीं कि फिफ्थ वेव एक्सटेंड होगा कि फिफ्थ वेव में थोड़ा बहुत मोमेंटम नहीं दिखेगा, फेड हो जाएगा, वो तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने बोला कि नहीं, रिस्क कम ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने रिस्क कम लिया, 17,500 का पुट ऑप्शन ले लिया और उसमें एक ट्रेड में पैसा मिला। तो ये एक ऑलरेडी मुझे ट्रेंड मिल गया था, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था, तो मुझे और ज्यादा रिस्क नहीं लेना था, तो वो रिस्क नहीं लेना था, तो इसलिए मैंने वापस री एंट्री लिया 17,500 के पुट ऑप्शन में, जो कि ये वाला है, वो री एंट्री मैंने शायद यहाँ पे ले लिया। और मे बी आई थिंक मैंने टाइट स्टॉप लॉस रखा था, तो मे बी यहाँ पे एग्जिट वापस हो गया, एक में प्रॉफिट में, एक में लॉस में, और वापस मैंने री एंट्री यहाँ पे लिया उसका, शायद वो मे बी मैंने 17,600 में ले लिया वापस। देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे 17,600 में वापस री एंट्री लिया मैंने। क्यों मैंने 17,600 में री एंट्री, चलो देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया इसमें, ऑप्शन में ऑप्शन प्रीमियम नीचे आ गया, 86 का सीधा 70 तक आ गया था, और ये कंसोलिडेशन को उसने वापस थोड़ा ब्रेक करके ऊपर जाने का मोमेंटम दिखा रहा था, तो यहाँ पे मैंने वापस बाय कर दिया। तो रिस्क कितना था यहाँ पे, एक तो ये लो, तो 70 पे अगर मैंने ले लिया, आई थिंक 70 पे ही लिया, क्या रेट में बाय किया है, 76 में बाय हुआ है मेरे हिसाब से, 76 में बाय हुआ है, 75-76 तो यहाँ पे बाय किया हम लोग ने, यस, और फिर उसको ट्रेल कर दिया, उसको ट्रेल कर दिया कि ओके देखते हैं और ऊपर कितना जा सकता है। ये ब्रेकआउट आने के बाद वापस हमने ट्रेल किया उसको, और उसमें भी थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया, आप देख सकते हो, यस 398 का इसमें। तो आई थिंक यहाँ पे उसको मैंने एग्जिट कर दिया था वापस एक बार, क्योंकि ऑलरेडी मूव हो चुका था निफ्टी में, ऑलरेडी निफ्टी में ये मूव आ गया था, मुझे पता नहीं नीचे में और कितना जाएगा, और स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा टाइट कर दिया, क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि मैं मेरा प्रॉफिट बचा, यस ऑलरेडी ये मूव तो मिल गया, उसके बाद वापस यहाँ पे भी एक बार हमने ट्रेड किया 17,500 में, फिर प्रॉफिट बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए अग्रेसिवली बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर दिया वो लेवल में हम लोगों ने, यस। और उसके बाद आई थिंक थोड़ा लॉस हुआ है 2-3 ट्रेड में, जो तो डेफिनेट है कि अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है, ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए।
आई थिंक यहाँ पे आई गेस क्या लेवल में बाइंग है 58 ओके तो ओके ये एक बार एग्जिट हमने कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट आई थिंक यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कुछ एग्जिट कर दिया लेके वापस क्योंकि और कितना यार ऑलरेडी इतना प्रॉफिट यहाँ पे ले चुके और कितना प्रॉफिट करेंगे तो यहाँ पे शायद कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने के बाद फिर वापस हमने यहाँ ये जगह पे एंट्री किया है क्यों एंट्री किया है क्योंकि ये एक सपोर्ट है यस ये एक सपोर्ट है तो डेफिनेटली और तब निफ्टी आया था आई गेस ये राइज तो ये हाँ मैंने यहाँ पे डाला भी था कि एक बार यहाँ पे मैं हम लोग ने पूरा ट्रेड क्लोज कर गया था और फिर राइज के लिए वेट कर रहे थे तो मे भी मैंने शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है वो लॉस वाला ये वाला इसमें लॉस हुआ है मुझे क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 17,780-800 के आसपास आ जाएगा इंट्राडे में और उसके बाद वापस शायद डाउन ट्रेंड नीचे देखने मिल सकता है यस तो यहाँ पे वो लॉस हुआ है यहाँ पे जब लिया था हमने तो ये 431-160-110 का जो लॉस हुआ है वो आई थिंक यहाँ पे हुआ है हमने यहाँ पे जो ऑप्शंस बाय किया था उसमें लॉस हुआ है यस बट तभी भी हमने स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखा था ओके यहाँ पे लेने के दो बजे थे एक तो ये सपोर्ट लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है तो ये सपोर्ट लेवल का स्टॉप लॉस बन जाता है और फिर अगर यहाँ से नीचे चला जाता मार्केट समझो पुल बैक खत्म होके तो फिर प्रॉफिट बनने के और ज्यादा चांसेस थे नहीं हुआ वो अलग बात है लेकिन बात के ट्रेड में अभी जो ओपन है उसमें वापस प्रॉफिट दिखा ही रहा है मार्केट हम अभी मंडे को क्या होता है पता नहीं प्रॉफिट रहेगा नहीं रहेगा लेकिन ये ट्रेड जो मैंने लिया अराउंड 39 के लेवल में ये क्यों लिया तो सिंपल सी बात है यहाँ पे मुझे ये ट्रेंड चैनल दिख रहा है रेजिस्टेंस है और जो मैं इलेट वेव पे देख रहा हूँ कि थर्ड वेव खत्म हो के फोर्थ वेव ऊपर आ गया जो आइडियली मैं यहाँ पे सोच रहा था कि खत्म हो गया वो जाके यहाँ पे खत्म हुआ है तो यहाँ पे मैंने री एंट्री किया वापस और यहाँ पे री एंट्री करने का तो डेफिनेटली मतलब बनता था बिकॉज ऑप्शन प्राइस ये था यहाँ पे 38-39 यस तो यहाँ पे रिस्क क्या था मेरा हार्डली 3-4 रुपीस यस 34 का स्टॉप लॉस था यस 5 रुपीस का स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड कितना है ऊपर जाके अगर वापस 99 में भी चला जाता है तो फिर अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है यस और टारगेट भी मैंने 100 का ही रखा है और उसके चांसेस क्या है तो उसके चांसेस तो है बिकॉज एक फास्ट वापस फॉल आ गया ये लेवल्स ब्रेक डाउन आ गए हैं इलेट वेव के हिसाब से अभी तक 5 वेव्स खत्म नहीं हुआ है और ये एक बड़े वाले लेवल्स पे ब्रेकडाउन सस्टेन हो रहा है ये फर्स्ट फ्लैग ब्रेकडाउन है उसके बाद ये चैनल का ब्रेकडाउन आ गया है दिस ट्रेंड चैनल ये ट्रेंड चैनल ब्रेक हुआ है इसके वजह से मैंने वो पोजीशन होल्ड करके रखा है भले वीकेंड है और इंट्राडे पे बता रहा है कि यस नीचे में 17,600-17,570 जाने के चांसेस है अभी भी और टाइम लीके इतना नहीं होगा क्योंकि थर्सडे तक का हमारे पास टाइम है तो अगर 17,600-570 तक जाता है 500 तक जाता है 17 तो वापस एक शायद प्रॉफिट मिल सकता है यस सो दैट्स इट ऑप्शंस आई होप आपको समझ में आ रहा है एक बात तो आज के वीडियो में आप समझ लो कि ये वाला जो मूव आ गया ना ये वाला ये ब्रेकडाउन होने के बाद ये वाला जो मूव आ गया
उसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हुआ। ये देखो जो फर्स्ट प्रॉफिट हुआ है मॉर्निंग में 3990 का, वो ये वाले मूव में होंगे, भले हमने यहाँ से लेके रखा था, हाईएस्ट प्रॉफिट ये वाले मूव में आ गए जब ये लेवल ब्रेक डाउन है। तो अभी वापस ये लेवल भी ब्रेक डाउन हुआ है, ये ट्रेंड चैनल, तो आगे जाके कितना एक्सटेंड होगा क्या होगा वो नहीं पता हमें, लेकिन अगर हो गया तो वापस एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिल सकता है एग्जिस्टिंग पोजिशन में, एंड होपिंग कि टाइमली के नहीं हो। सो लेट्स सी। तो दैट्स इट अबाउट निफ्टी। आई होप यू लाइक वीडियोस। ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, ऑप्शंस पे मैं जो बात कर रहा हूँ बता रहा हूँ, निफ्टी पे हमने तो क्लियरली बोला था कि इलियट व्यू बता रहा है कि यहाँ पे रैली के चांसेस बहुत निगेट हो रहे हैं, और 18,000 ब्रेक होने के बाद तो डेफिनेटली निगेट कर दी। तो अभी रिजेक्शन पॉइंट मेरा तो ये है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं बोलूंगा नहीं चलो जो भी है अपना एग्जिट कर देते हैं पोजिशन, क्योंकि लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट कम हो जाए ठीक है, लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये लेवल के ऊपर तो डेफिनेटली, एंड आई वोंट आल्सो थिंक ऑफ शॉर्टिंग जब तक कोई अच्छा खासा पैटर्न नहीं बन जाता, अगर ये लेवल ब्रेक होता। और नीचे में वापस मंडे को शायद ये लेवल में मैं ट्राई करूंगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लूं, उसके बाद डिसाइड करूंगा। ओके, बिकॉज आई एम अ ऑप्शन ट्रेडर। ओके, सो दैट्स इट। इफ यू लाइक शेयर, और डेफिनेटली ये हमारे एलियट वीव और प्राइस एक्शन का जो हैवी डिस्काउंट चल रहा है अभी, ऑलरेडी 50 लोगों ने ले लिया है, नेक्स्ट 50 को हमने दे दिया, शायद 100 देंगे, लेकिन बिकॉज ऑलरेडी 50 में से भी 40 तो फिल हो गया ऑलमोस्ट, तो आई मीन ऑलमोस्ट 90 पीपल डन, सो मे बी वी माइट डिसाइड टू इंक्रीज इट अगर ज्यादा मिलता है क्वेरी, ज्यादा आता है रिस्पॉन्स, तो मे बी वी विल डू। ओके, पैसा नहीं कमाना है अल्टीमेटली हमें, अगर लोगों को हो रहा है प्रॉफिट, कुछ अच्छा समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं दे दे लो प्राइस में, सो ग्रैब इट। ओके, दैट्स इट। दिस इज अस साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।